मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको सब्जेक्ट साइंस क्लास 3 चैप्टर डिस्कशन 13 चैप्टर नेम है द अर्थ एंड द स्काई पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में मूल रूप से आपको पढ़ना है अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में, शेप ऑफ द अर्थ पृथ्वी की आकृति के बारे में, मूवमेंट ऑफ द अर्थ पृथ्वी की गति के बारे में, द मून चंद्रमा द स्टार्स तारे और कॉन्स्टिलेशन यानी कॉन्स्टिलेशन यानी तारों का समूह। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। आप पेज नंबर 91 देखिए और इस वीडियो को देखते हुए चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट आवर यूनिवर्स। आओ चले अपने ब्रह्मांड के बारे में जाने। जैसे द यूनिवर्स इज एवरीथिंग यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। तो सबसे पहले पढ़ना है अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में। अर्थ इज द प्लैनेट दैट हैज लाइफ। पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन है। The Earth is the third planet from the sun. सौर मंडल में पृथ्वी तीसरी ग्रह है। Earth is made up of land, water and air. पृथ्वी हवा पानी और भूमि से भरी हुई है। Most of the earth is covered with water. पृथ्वी के अधिकतर भाग पर पानी है। Only a quarter portion of the earth is land. A thick layer of air surrounds the earth. केवल पृथ्वी के 30% यानी 30% भाग पर ही भूमि है और लगभग 70% यानी 70% भाग पर पानी है और पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का आवरण है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक मोटी परत है जो पृथ्वी के चारों। अब नेक्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आकृति, इसके बारे में जानना है। द शेप ऑफ द अर्थ इज अराउंड लाइक एंड ऑरेंज। पृथ्वी की आकृति एक संतरे के समान है। बट इट राउंड एंड स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स। पृथ्वी गोल है लेकिन ये ध्रुव के पास यानी पृथ्वी को टू पोल्स में बांटा गया है, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी ऊपर का भाग और नीचे के भाग। तो जैसे संतरा को आप देखते हैं कि ऊपर से भी थोड़ा सा समतल चिपटी है और नीचे से भी बीच में वो गोल है, ठीक पृथ्वी की आकार उसी तरह की है। द अर्थ लुक्स फ्लैट टू अस बिकॉज द अर्थ इज वेरी बिग। पृथ्वी हमें समतल दिखाई पड़ती है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं और पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसलिए हम पृथ्वी के छोटे भाग को देख पाते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी समतल है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। आप ग्लोब को निश्चित रूप से देखे हैं तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी की एक नमूना मॉडल। इट्स सो वेरियस लैंड पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ग्लोब पर पानी का जो भाग है पृथ्वी पर और जो भूमि का भाग है उसको मूल रूप से दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट शेप ऑफ द अर्थ के बाद नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति। पृथ्वी की द अर्थ स्पाइंस ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस यानी अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इस ये पृथ्वी पर है नहीं, इसको कल्पना करके बनाया गया है जो कि एकदम बीचों बीच है पृथ्वी।
दिस मोमेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना या गति करना रोटेशन यानी घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहती है। इस प्रोसेस को यानी रोटेशन कहते हैं, यानी पृथ्वी का जो घूमने पृथ्वी के जो घूमने की क्रिया है उसे रोटेशन यानी घूर्णन कहते हैं। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यानी घूमने के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक रोटेशन दूसरा है रेवोल्यूशन। यानी रोटेशन 24 घंटा में पूरा होता है और रेवोल्यूशन जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा होता है। तो रेवोल्यूशन क्या है कि पृथ्वी दूसरे तरह का अपने अक्ष पर एक निश्चित रास्ते पर पृथ्वी अपने एक निश्चित रास्ते पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रोसेस को रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। दिस रेवोल्यूशन का डिफरेंट सीजन। इसी परिक्रमण पृथ्वी का जो परिक्रमा होता है सूर्य का, इसी रेवोल्यूशन के कारण विभिन्न तरह के मौसम होते हैं। अब नेक्स्ट है द मून यानी चंद्रमा। वी सी द मून एट नाइट। हम लोग रात में चंद्रमा को देखते हैं। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। उसका अपना प्रकाश नहीं है। वी सी इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सूर्य के प्रकाश के कारण सूर्य, या ऐसे बोल सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है जिसके कारण वो चमकता है। उसका अपना तो कोई प्रकाश है नहीं, तो चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी की एक प्राकृतिक उपग्रह है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इज अबाउट 28 डेज। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और उसे परिक्रमा करने में चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है। द मून हैज नो एयर और वाटर। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है। So, no life possible on the moon. इसलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। वहां हवा और पानी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर किसी भी तरह का जीवन होना ये संभव नहीं। The earth and moon are moving all the time. पृथ्वी और चंद्रमा हमेशा गति करते रहते हैं। Only those part of the moon that are lit by the sun are visible to us. चंद्रमा के वह भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो हमें दिखाई पड़ता है। That is why it has a different shape each day. इसलिए हम लोग देखते हैं चंद्रमा को रात में कि प्रत्येक दिन उसका आकार बदलते रहता है।
जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश, जितना प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा उतना ही भाग हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करती है और परिक्रमा करने के दौरान उस पर जो सूर्य का प्रकाश है वो हमेशा प्रत्येक दिन एक समान नहीं पड़ता है, इस प्रत्येक दिन उस पर अलग अलग भाग पर, मतलब आज देखिए आप जैसे फिगर में दिया गया है इस तरह से उस पर प्रकाश पड़ता है। तो जितना प्रकाश पड़ेगा, जितने भाग पर चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उतना ही हमें दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसका आकार प्रत्येक दिन बदलते रहता है। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस, यानी चंद्रमा का जो विभिन्न रूप आकार होता है उसे हम फेजेस यानी उस चंद्रमा का रूप कहते हैं। आप देखते हैं, आप रात में देखिएगा तो रोज आपको देखिएगा तो चंद्रमा के आकार में अंतर होते रहता है। अब द मून के बाद है द स्टार्स, यानी तारे के बारे में पढ़ना है इसमें। द स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट आर सीन इन द स्काई एट नाइट। तारे को, तारा एक बहुत बड़ा, तारा को बहुत बड़ा होता है जिसको हम रात में आकाश में देख पाते हैं। दे हैव देयर ऑन लाइट, तारे को अपना प्रकाश होता है। ऑल द स्टार्स आर नॉट अलाइक, सभी तारे एक समान नहीं होते हैं। सम ऑफ देम आर बिगर देन अदर्स, कुछ तारे दूसरे तारे से बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। इट इज द नियरेस्ट स्टार, सॉरी द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सूर्य भी एक तारा है। इट इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, सूर्य पृथ्वी की सबसे नजदीक का तारा है। स्टार्स लुक सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, तारे हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। Some stars are dim while others are bright, कुछ तारे कम चमकीले होते हैं कुछ अधिक चमकीले होते हैं, यानी कुछ का देखिएगा तो चमक ज्यादा नजर आएगा चमकते हुए और कुछ कम चमकीला होता है। तो द स्टार्स के बाद आपको पढ़ना है कॉन्स्टिलेशन, यानी तारों का समूह। वी सी सम पैटर्न्स ऑफ स्टार्स फॉर्म इन द स्काई, हम लोग रात में तारे का कुछ आकार रूप देखते हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पार्टिकुलर शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, तो यह तारे का जो ग्रुप होता है समूह होता है तो उस तारे को समूह को हम लोग कॉन्स्टेलेशन यानी तारों का समूह कहते हैं। दे आर नेम्ड सप्तऋषि, ओरियन, स्कॉर्पियो एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू दियर शेप्स, आकार के अनुसार तारे का नाम, तारे के समूह का नाम दिया गया है। जिसका जैसा आकार है उस आकार के अनुसार उस तारे के समूह को नाम दिया गया है, जैसे नाम में है सप्तऋषि, ओरियन और स्कॉर्पियो। हियर सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशन आर शोन इन द पिक्चर, आपके बुक में जो पिक्चर दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि सप्तऋषि, ओरियन और स्कॉर्पियो का फिगर दिया गया है कि इसकी आकार क्या। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर एक दो बार देखेंगे और तब बुक को पढ़ेंगे तो इससे आपको समझ अच्छे ढंग से हो पाएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।